हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और दोस्तों, ये जो देख पा रहे हो मेरा फुल इंजन हो रहा है, और ये है इंजन जो है बजाज पल्सर 135, ठीक है। और एक सीडी भी बिल्कुल सेम इंजन है। और दोस्तों, एक क्लच चेंबर, ये हमारा मेन इंजन। और दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं ऑयल सप्लाई किस तरीके से होता है, ठीक है। हम जानने वाले हैं किस तरीके से ऑयल सप्लाई होता है, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि ये हो गया ना हमारा ऑयल पंप, ठीक है। ऑयल पंप हो गया हमारा, इस जगह पे ऑयल होता है और खींचता है, ठीक है। और जो दोस्तों ऑयल का हेड में सप्लाई होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए। जो ये ऑयल उठा था, ऑयल उठाने के बाद जो ये देख पा रहे फ्रेंड्स, ये जो सराख है मतलब इसके अंदर में सराख हुआ है, और इस जगह से ऑयल हमारा निकलता है, ठीक है। इस जगह से ऑयल होके यहाँ पे निकलता है, मतलब ऑयल पंप ऑयल उठा रहा है, इस जगह पे ऑयल फेंक रहा है। अब कहाँ पे जा रहा है ये ऑयल, देखिए फ्रेंड्स। ये जो क्लच का होल है, जैसे कि देख पा रहे हो फिल्टर जहाँ पे होता है फ्रेंड्स, दिखा दूं मैं, ये जो होल दे रखे ना फ्रेंड्स, इस जगह से सीधा आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो ये जो सड़क है, मतलब इस जगह से सीधा हमारा इस सड़क में आता है, ठीक है। इस सड़क में सीधा आता है, और ये यहाँ पर से भी निकलता है। कहाँ पे जाता है? यहाँ पर भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी जाता है सीधा क्रंक में। दोस्तों, यहाँ से ऑयल उठाता है सीधा। आप एक तो चल गया हमारा हेड में, अब किधर जाएगा मैं बताने वाला हूँ। और एक यहाँ पर आता है, क्रंक में जाता है। जैसे कि ये हो गया सड़क, यहाँ से निकलता, यहाँ से भी निकलता, और सीधा यहाँ से मतलब लेता है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से सीधा निकल के फिर कहाँ जाता है, ये जो होल देख पा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, मैं दूर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो क्लच का चैम्बर है, ये जो होल है फ्रेंड्स, ठीक है, इस जगह से होके सीधा यहाँ पर निकलता है। देख पा रहे फ्रेंड्स, सीधा हमारा यहाँ पर निकलता है। देख पा रहे हो, यहाँ पर होल है। अब मैं ये भी दिखा दूंगा आप लोगों को फ्रेंड्स, जो होल से सच में यहाँ पे निकलता है या नहीं, मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पर आता है। देखिए, ये होल है हमारा, ठीक है। ये होल हमारा इस चैम्बर में सीधा अटैच होता है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो छोटा सा होल देख पा रहे हो, ये इससे भी निकलता है, इधर थोड़ा सा फैल जाता है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये जो फिल्टर होता है इस जगह पे, फिल्टर करके मतलब पूरा बाहर की तरफ आता है। अब देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा एयर प्रेशर मारूंगा और थोड़ा सा मैं कपड़ा वगैरह रखूंगा, फिर देखना कपड़ा हिलने लगेगा, मतलब इस जगह पे ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है। देखते रहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोग को भी पता चल जाएगा। जैसे कि अगर ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगा तो किस तरीके से चेक करना चाहिए। चलिए, मैं क्या करता हूँ, इस जगह से थोड़ा सा हवा का प्रेशर मारता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देख पा रहे फ्रेंड्स, इस जगह पे होल है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। पता लग गया होगा, इस जगह से हमारा मतलब सीधा चले जाते हैं इस जगह से, तो यहीं से ऑयल सप्लाई होता है। और आप लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए हवा मार के, जब इंजन का काम कर रहे हो, और ये सब बढ़िया से क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो था, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए फ्रेंड्स।